हीरो कंपनी का HF डिलक्स बाइक है। और इस बाइक का यहाँ पर देखिए हमने चेन कवर ओपन कर रखे हैं, क्योंकि चेन कवर नहीं ओपन करते तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता चलता। इस बाइक का जो कस्टमर है बोला कि इस बाइक के जो व्हील के अंदर यहाँ पे जो एक रबर लगता है कपलिंग रबर, वो रबर बार बार टूट रहा है। टूटने का प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको बतलाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम तो आपने बहुत बाइक में देखा होगा, कपलिंग रबर जो बार बार टूट जाता है और टूटने के बाद क्या देखिए स्पोकर में इतना ज़्यादा प्ले आ जाता है, खट खट का साउंड आने लगता है। और कपलिंग रबर टूटने से होगा क्या कि इस रिम के अंदर जो इस तरह इतना बड़ा जो खांचा बना रहता है इस तरह का खांचा भी टूट जाए तो फिर आपको रिम को वेल्ड करवाना पड़ेगा। तो कपलिंग रबर टूटने का आपके बाइक में प्रॉब्लम है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर देख रहे हैं गैप कितना ज़्यादा है, गैप इतना नहीं रहना चाहिए। गैप किस प्रॉब्लम से यहाँ पर इतना है वो भी आपको बतलाएंगे, इसी के प्रॉब्लम से कपलिंग रबर टूट रहा है। तो आप लोग सोच रहे कि एक्सल का बोल्ट ढीला है, तो एक्सल का बोल्ट बिल्कुल ढीला नहीं है। आपको देखिए अब हम नट को टाइट करके चेकअप करा रहे हैं। देखिए ये जो एक्सल का बोल्ट है देखिए यहाँ पे 19 mm का रिंग स्पिनर प्रॉपर फिट है। देखिए नट को कितना भी टेंट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इधर से थोड़ा भी इस नट को कितना भी दम लगा के टेंट करें नट बिल्कुल टेंट नहीं हो, क्योंकि नट ऑलरेडी प्रॉपर टेंट है। उसके बाद भी यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा गैप है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस व्हील को खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका जो प्रॉब्लम है वो पता चलेगा। तो चलिए हम व्हील को खोल करके बाहर निकाल रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो आप लोगों को बतला रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख लीजिए इसका व्हील जो है खुच करके बाहर आ गया, और यही वो कपलिंग रबर, ये रबर है, ड्रम रबर भी इसको बोल सकते हैं, रिम रबर बोल सकते हैं। आप लोग कई बार ऐसे भी हमने सुना है कि कस्टमर आता है बोलता है ब्रेक नहीं लग रहा, इसका रबर टूट गया। तो एक्चुअली में वो ब्रेक, इस रबर से ब्रेक का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन है जो बाइक चलता है। तो देखिए ये वाला जो स्पोकेट में यहाँ पर देख रहे किस तरह से खांचा बना है चार्टो, ये इसके हल में आकर के फंस जाता है यहाँ पे, फिर उसके बाद चलता है। इसके ऊपर क्या यहाँ पर झटका महसूस नहीं होता है, ये झटका को एब्जॉर्ब करता है। जैसे देखिए रबर में इस तरह से आगे पीछे रबर जो है सो जंप कर रहा है, रबर का काम है झटका को एब्जॉर्ब करना। अगर ये रबर टूट जाएगा देखिए यहाँ पे रबर, आप देखिए किस तरह यही इसी तरह से आपको भी बाइक में रबर कटता होगा। ये प्रॉब्लम मुझे हीरो के बाइक में खास करके ज़्यादा ही देखने को मिलता है। आप लोग सोच रहे हैं इस कंपनी का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं, ये प्रॉब्लम आ जाता है जब आप बाइक को जहाँ पर सर्विस करवाते हैं वहाँ से ये प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आप कहीं लोकल मैकेनिक के पास बाइक का काम करवाते हैं उस टाइम ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर चारों रबर किस तरह से टूट फूट गया है, देखिए यहाँ से कट चुका है। ये है ब्रेक शू, ब्रेक शू खराब होने से बाइक में ब्रेक नहीं लगने का प्रॉब्लम आता है, या फिर देख रहे हैं इस बाइक में इस पर कितना ज़्यादा धूल मिट्टी जम गया, इसके ऊपर रस्ट लग गया, इसके प्रॉब्लम से आग में ब्रेक का प्रॉब्लम आता है। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बतला देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो ज़्यादा टूटता है ये प्रॉब्लम इस रिम में भी नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे इस बाइक में क्रैंक शॉफ्ट में, चेन का जो क्रैंक है ये स्पोकेट है इसके ऊपर प्रॉब्लम। इसको यहाँ से हाफ एक्सल को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिख रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जरूर बताया होगा कि जब चेन टाइट करता है उस टाइम हाफ एक्सल फेल हो जाता है, आपको बोला होगा मैकेनिक आपका हाफ एक्सल फेल करके आपको हम चेंज कर देते हैं। तो हाफ एक्सल जो चेंज करता है ना इसको देखिए, ये नट जो फेल हो जाता है उस टाइम बोलता है कि आपका हाफ एक्सल फेल करके आप उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको खोल करके फटाफट से हाफ एक्सल चेंज कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हाफ एक्सल तो चेंज कर देते हैं लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या आ जाता है देखिए, नट को खोल करके बाहर निकाल लें, क्रैंक सेट को हम बाहर निकाल लें, यहाँ पे देखिए हाफ एक्सल को बाहर निकाल, इसको हम अच्छा से सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखला रहे हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है। इसको हम सफाई कर लिए, ये जो हाफ एक्सल है एक्सल जो छोटा सा हाफ एक्सल जो इस पॉकेट को टाइट करके रखता है, ये जो है तो देखिए ये जो थ्रेड है नहीं है, यहाँ देख रहे हैं किस तरह का थ्रेड है, ये थ्रेड छोटा होना चाहिए। स्प्लेंडर में, HF डिलक्स में, सिटी डिलक्स बाइक में ये छोटा थ्रेड लगता है, और ये बड़ा थ्रेड जो लगता है वो पैशन प्रो बाइक के लिए आता है। यह फ्रेंड ये बड़ा थ्रेड आता है पैशन प्रो बाइक के लिए, और ये जो छोटा थ्रेड आता है ये आता है HF डिलक्स, सिटी डिलक्स, स्प्लेंडर बाइक के लिए। तो आप जब भी हाफ एक्सल चेंज करवाते हैं छोटा थ्रेड लगवाइए, बड़ा थ्रेड जो लगवा देते हैं उससे प्रॉब्लम क्या आता है, क्योंकि ये जो देखिए ये बैरिंग के ऊपर यहाँ पर जो अटकता है इसके ऊपर क्या है इसके गैप ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो कॉलर जो बना है, ये कॉलर जो बना है आपको डिटेल में बता रहे, ये कॉलर जो बना है ये तो यहाँ पर देखिए इसको अंदर डालें, बैरिंग पर अटक गया, देखिए यहाँ पर अटक गया बैरिंग के ऊपर। अब हम इसको इसके अंदर फिट कर दिए, देखिए
उसका तो कॉलर बड़ा था आपको दिखलाया, तो वो यहाँ पे प्रॉपर इसको बैठने नहीं देता है, इसके प्रॉब्लम से हम गैप हो जाता है। अब हम क्या करेंगे तो देख लिया, ये कॉलर जो लंबा हो जाता है, देखिए कॉलर जो लंबा था इसका ये थ्रेड देखिए प्रॉपर नहीं बैठ रहा था, लेकिन यहीं पे हाफ एक्सल को हम बाहर निकाल दे, देखिए यहाँ पे किस तरह से फिटिंग हो गया, इतना अंदर चला गया। अब ये क्या होगा, इसके अंदर जो है सो चला जो गया, इसके अंदर प्रॉपर ये बैठ गया। अब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये इसके अंदर प्रॉपर सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हाफ एक ये कपलिंग रबर नहीं टूटे, क्योंकि कपलिंग रबर जो है कुछ रबर है जल्दी नहीं टूटेगा, ये आधे पर ही लग जाए। देखिए इस रेप बड़ा रहेगा हाफ एक्सल, तो आधे पर काम करेगा, तो आधा पर से कपलिंग रबर का तोड़ देगा, जैसे यहाँ देख रहे टूट गया। तो चलिए हम इसमें छोटा थ्रेड वाला हाफ एक्सल लगा करके फिर आप लोगों को दिखलाएंगे कि प्रॉब्लम कैसा है। कपलिंग रबर टूट रहा है, कब रबर टूट रहा है, तो आपको हो सकता है आपके बाइक में पहले से छोटा वाला कपलिंग रबर, सॉरी देखिए हो सकता है पहले से छोटा वाला हाफ एक्सल लगा हो, लेकिन कहीं आप चेंज करवाए तो उस टाइम में बड़ा वाला हाफ एक्सल लगा दिया होगा, उससे भी आपका बाइक का बार बार ये कपलिंग रबर जो रबर जो है सो कुछ रबर भी इसको बोलते हैं रबर जो है सो बार बार टूटेगा। उस टाइम आपको क्या करना है, छोटा वाला हाफ एक्सल लगा करके चेकअप करना है। तो चलिए इस हाफ एक्सल को हम फटाफट से बाइक में फिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखना रहा है कि प्रॉब्लम सोल्व होने, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था व्हील के अंदर। अगर ये पहले से आपके बाइक में बड़ा वाला हाफ एक्सल लगा है, पहले से कंपनी से लग करके बड़ा वाला आया है, उस जगह आप छोटा वाला हाफ एक्सल लगा दीजिएगा, तो आपका व्हील प्रॉपर जाम हो जाएगा। ऐसा गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आप, इस व्हील का काम जो था प्रॉपर कंप्लीट हो गया, ये व्हील को हमने प्रॉपर टाइट कर लिया है, हाफ एक्सल नया डाल दिया, हाफ एक्सल का नट नया डाल दिए हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है जो गैप, तो देखिए यहाँ पे अब जो है जो गैप वो प्रॉपर खत्म होगा, रिमूव हो गया। आप देख रहे हैं कहीं से भी आपको गैप दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अगर आपको किसी भी बाइक में, चाहे हीरो का बाइक है, टीवीएस का है, फिर चाहे हीरो का स्प्लेंडर है, पैशन प्रो है, अच्छा डिलक्स है, जो भी बाइक है, उन सभी बाइक में कपलिंग रबर बार बार टूट रहा है, इस तरह से आपको चेकअप करना है चेन कवर को ओपन करके। यहाँ पे अगर ज़्यादा गैप है उस टाइम आपको हो सकता है कि हाफ एक्सल जो है थोड़ा बड़ा लगा दे हो, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें छोटा थ्रेड हाफ एक्सल लगा था, और अभी इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है कि इस बैग में छोटा थ्रेड हाफ एक्सल लगता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा थ्रेड का हाफ एक्सल लगा दिया था। ये अधिकतर करके पैशन प्रो बैग में हाफ एक्सल का यूज होता है, तो पैशन प्रो का हाफ एक्सल लगा दिया था एचएफ डिलक्स बैग में, उसके प्रॉब्लम से व्हील प्रॉपर टाइट नहीं हो रहा था और एक दूसरे से चिपक नहीं रहा था, इसके प्रॉब्लम से जो है उसका कपलिंग रबर बार बार टूट रहा था। अब देख लीजिए इसमें छोटा थ्रेड का हाफ एक्सल लगा दिए, इसका प्रॉब्लम 100% सोल्व होगा, अब ये कपलिंग रबर ज़्यादा नहीं टूटेगा। फ्रेंड्स आपको हम जितना इन्फॉर्मेशन बताया पहले से मालूम था नहीं, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।